लोग सोच रहे होंगे कि ये थोड़ी कवर अवर होके आएगी, पर ये ऐसे ही मिली थी मुझे क्योंकि मैंने इसे पूनम फ्लूट के स्टोर से ही परचेज़ किया है। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू पूनम फ्लूट्स का। तो इसे मैंने ऑर्डर किया था खानपुर से, मतलब ऑर्डर नहीं, ख़रीदा है डायरेक्टली शॉप से। खानपुर दिल्ली में स्टोर है एक, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो अनबॉक्सिंग के नाम पे हमें करना ही है एक्चुअली। में चेन खोलनी है, फ्लूट बाहर निकालनी है, और ये निकला है हमारी फ्लूट। आई होप विजिबल हो। अच्छी है ना। तो इस फ्लूट का स्केल है ए स्केल, है ना। तो इसका मैं एड्रेस बताऊं तो इसका एड्रेस है 858 ड्योली रोड, पॉकेट सी, जवाहरलाल पार्क, 11080, दिल्ली में है, खानपुर में, ठीक है। तो इसका स्केल है ए मिडल बेस, है ना, ए मिडल बेस, मिडिल ऑक्टेव। अब जो ऑक्टेव वगैरह देख लेना, मैं बिगनर हूँ एक्चुअली इसलिए। तो ये मुझे बड़ी है 2300 की फाइनल प्राइस। हाफ प्राइस पे बढ़ी थी 50% क्योंकि क्लियरेंस सेल चल रही थी। क्लियरेंस सेल में फ्रूट काफी सस्ती पड़ती है। ये रही हमारी फ्रूट, इतनी महंगी हो रही है, पकड़ने में भी डर सा लगता है कहीं छूट छाट ना जाए। तो इससे बड़ी फ्रूट भी होती है, उसमें बेस बढ़ जाता है, और जो इसी स्केल की छोटी फ्रूट होती है वो हायर ऑक्टेव पे चली जाती है, मतलब वो ज़्यादा तीखी आवाज़ करती है, ये सॉफ्ट आवाज़ करती है, बेस बढ़ेगा। तो इससे भी कहीं ज़्यादा बेस वाली फ्रूट कहलाती है संख फ्रूट, वो भी अवेलेबल है इसी साइट पर, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, मतलब पूनम फ्रूट्स की साइट पर। मैं पूनम फ्रूट की साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। वैसे इस फ्लूट की कॉस्ट काफ़ी पड़ जाती है अगर यह क्लियरेंस सेल में ना हो। क्लियरेंस सेल से ही मुझे 2300 की पड़ी है, वरना ये मुझे पड़ती 3600 की। काफ़ी सही है एक्चुअली। मैं पूनम फ्रूट से इतना इंस्पायर हूँ कि मैं प्लान कर रहा हूँ कि इसका पूरा सेट करूँ। खैर अभी तो मेरे पास सिर्फ ए स्केल है, वो भी मिडिल ऑक्टेव की, पर मैं कोशिश करूँगा क्योंकि बहुत महंगी आती है फ्रूट यार। ये फ्रूट 2300 की है, काफ़ी महंगी है, काफ़ी ज़्यादा, जितना कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा। 3000 में तो मेरे दोस्त गिटार ले आते हैं, समझे आप। तो ये देख लीजिए, तो मुझे नहीं पता कि आप देख पाए हैं या नहीं, पर इसमें हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा एरर है, डिफेक्ट है एक्चुअली में इस पॉइंट पे, सुभाष के एज के पास। भले क्रैक नहीं है ये, पर अब दिख रहा होगा हल्का सा एरर है, पर तभी अजीब सा लगता है जब इतनी महंगी फ्रूट है, उसमें भी ये इतनी हल्की सी इरन होना तो दुख दे जाती है। अब मैं ऐसे समझाता हूँ, कैसे समझाऊँ। जब एफर्ट मारता है बंदा, एफर्ट में भी क्रैक मिले तो ये वही दुख है। ठीक है, कोई नहीं, पर काम चल जाएगा। थैंक यू बिट्टू। तो ये फ्लूट एक्चुअली में गिफ्टेड है। जो भी हो मिल गई, पर ये फ्लूट काफ़ी अच्छी है एक्चुअली। अब इसको प्ले करके देखते हैं, है ना, डोंट जज। ठीक है ठीक है, तो करते हैं इस फ्लूट का टेस्ट, है ना। तो ज़्यादा जज मत करना यार, क्योंकि मैं नूबड़ा हूँ, अभी सीख जाऊँगा तब एकदम, ठीक है। आखिरी में यही कहूँगा, काफ़ी अच्छी फ्लूट है। और जो मतलब जो लोग देख रहे हैं, जिन्हें मतलब कोई आइडिया नहीं है फ्लूट के बारे में,
या फिर कभी बजा ही नहीं है, तो काफी अच्छी चीज है यार, बजाना चालू करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक बार में महंगे फ्लूट खरीदें, सस्ती से ट्राई करें एक बार, आपको इंटरेस्ट आने लगेगा तो जरूर सीखें। बाकी मैं फ्लूट के बारे में कहूँ, फ्लूट की कमी, एक्चुअली मैं सच बताऊँ ना, कमी फ्लूट में नहीं है, कमी होती है बजाने वाले में। फ्लूट इज परफेक्ट एज यूजुअल, पुन फ्लूट्स रॉक्स यू नो दैट, है ना, तो इसमें कमी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, प्रोत्साहन दे रहा हूँ कि जरूर सीखें फ्लूट बजाना जरूर। हाँ तो इसमें बस कमी यही है यहाँ पे स्क्रैच सा, जो कि मतलब क्रैक नहीं है एक्चुअली में, पर इसके सरफेस पे बस ये कमी है, बाकी बिल्कुल परफेक्ट है। जरूर सीखें फ्लूट, बाकी एज यूजुअल सब्सक्राइब लाइक शेयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगला वीडियो आने वाला है जल्द, ठीक है, सी यू, बाय, लॉग इन आउट।